हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे, प्रभु श्री राम ने माता सीता को गर्भ अवस्था में क्यों त्याग दिया था? क्या सचमुच माता सीता से भी पाप हुआ था? चलिए इसकी चर्चा हम विस्तार से करते हैं। तो अभी तक आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, आप लोगों से एक मैं सॉरी बोल रही हूँ कि बगल में अश्जाम हो रहा है, उसकी आवाज़ जो है कहीं जा रही होगी, हो सकता है इसमें रिकॉर्ड होता होगा तो आप लोगों को कहीं सुनने में दिक्कत हो, तो इसके लिए सॉरी। चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। दोस्तों, सनातन धर्म के ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, चाहे वह इंसान हो या फिर ईश्वर का। इसका एक उदाहरण माता सीता का है, जिसका जिक्र रामायण में किया गया है। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। अलग अलग रामायण में कई तरह की दंत कथाएं मिलती है, जिनसे कई लोग परिचित नहीं हैं। इस कथा के अनुसार माता सीता को मतलब कि क्या हुआ था जिससे कि त्याग दिए थे भगवान श्री राम ने, चलिए जानते हैं विस्तार से। कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, कथा के अनुसार माता सीता बाल्य अवस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहीं बगीचे में एक तोता का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। तोता का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बातें कर रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता का ध्यान उन पर गया। तोती बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफ़ी प्रतापी राजा होंगे, उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गईं। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए उन्होंने अपनी सखियों से कहकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। फिर उन दोनों को पुचकार कर पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तब पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहां हर रोज़ राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है, इसलिए उनको दोनों के बारे में हर चीज़ कंठस याद हो गई थी। सीता जी ने पक्षियों से कहा कि जिस जनक पुत्री सीता की तुम लोग बात कर रहे हो वह मैं ही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी बातें जाननी है। तब नर तोता ने कहा कि हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ आपका विवाह होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रहीं और दोनों तोता और तोती जवाब देते रहे। सीता जी ने कहा कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे और तुम वहाँ सारी सुख सुविधाएं तुम्हें मिलेगी। सीता जी की बात सुनकर तोता का जोड़ा घबरा गया। तब नर तोता ने कहा, हे जनक पुत्री, हम गगन के पक्षी हैं, इसलिए पिंजरे में बंद रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमको आज़ाद कर दीजिए। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की। तब सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोता जो थी तोती को उसने नहीं छोड़ा और कहा कि यह मेरे साथ रहेगी। नर तोता ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय पर उसको जाने दें। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दें। लेकिन सीता जी ने उसकी एक नहीं सुनी। इस पर मादा तोता को बहुत गुस्सा आया और श्राप दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए। मादा तोता के प्राण त्यागने के कुछ समय बाद नर तोता की पत्नी जो थी तोती जो थी वियोग में प्राण उसकी भी वियोग में प्राण चले गए। इससे माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने सीता का गर्भ अवस्था के दौरान त्याग कर दिया। तब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंची और वहां उन्होंने लव कुश को जन्म दिया था। देवी सीता के वियोग की कथा, दोस्तों एक और भी कथा है, उसको भी मैं आप लोगों को सुना देती हूँ।
देवी सीता के वियोग की कथा। अन्य पुराणों में यह भी मिलती है कि उनका संबंध देव ऋषि नारद से माना जाता है। कथा के अनुसार एक बार नारद जी को अभिमान हो गया था कि कामदेव भी उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर सकता। उन्होंने यह बात अभिमान में शिव जी के बाद श्री हरि को बताई। तब श्री हरि ने एक योजना बनाई कि नारद को इस बात का घमंड हो गया जो कि सही नहीं है। इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई और माया रची। जैसे ही श्री हरि से प्रणाम करके नारद मुनि आगे बढ़े तब उनको एक भवन दिखाई दिया जहां राजकुमारी वृष मोहिनी को देखकर वह मोहित हो गए। यह सब एक माया थी। राजकुमारी का रूप नारद जी का तप भंग कर चुका था और वह राजकुमारी को पाने के लिए भगवान विष्णु के शरण में पहुँचे और कहा कि हे प्रभु, आप मुझे अपना श्री हरि का सुंदर रूप दे दीजिए। तब भगवान ने कहा कि हे नारद जी, ऐसा ना हो कि आप इस रूप को लेकर बाद में पछताएं। दरअसल नारद जी राजकुमारी का रूप देखकर भूल गए थे कि उनका एक रूप वानर का भी है। तब उन्होंने वही रूप नारद जी को दे दिया। जब नारद जी राजकुमारी के स्वयंवर में पहुँचे तब पूरी सभा बंदर वाले मुख को देखकर हंसने लगी और राजकुमारी ने भी मुख को देखकर वरमाला नहीं पहनाई। तब नारद जी ने सोचा कि आखिर सभी मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं और राजकुमारी ने मुझे माला क्यों नहीं पहनाई। तभी भगवान विष्णु सभा में पधारे और राजकुमारी ने उनको माला पहना दी। तब उन्होंने पानी में अपना मुख देखा और वनरमाला मुख देखकर क्रोधित हो गए। वानर स्वरूप अपना मुख देखकर क्रोधित हो गए और क्रोध में उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस तरह से मैं स्त्री के लिए तड़प रहा हूँ, आप भी पृथ्वी पर इसी वियोग का सामना करेंगे। जब माया का प्रभाव खत्म हुआ तो नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। क्षमा मांगने के बावजूद भी भगवान राम और माता सीता को अलग रहना पड़ा और उनका वियोग सहना पड़ा। एक कथा इस प्रकार भी है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब खुश रहिए।